हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, जो कि मैं आपको साइकोलॉजी के दो चैप्टर करवा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको पांच पांच टॉपिक करवाए थे, जो कि आपका एक बाल विकास से रिलेटेड था और दूसरा बच्चे का जो भाषा विकास होता है किस तरीके से होता है उससे रिलेटेड था। तो उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो मैंने आपको सीरीज शुरू करके आपको बता दिया था। एक नई सीरीज आपके लिए शुरुआत करी है कि जितने भी आपके चैप्टर होते रहेंगे उस चैप्टर के आपके मिक्स क्वेश्चन कि जो कि हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे या फिर आपके बार बार पूछे जाने वाले के क्वेश्चन होंगे कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, ताकि आप अपने आप को देख सको, अपने आप को जांच सको कि अब तक आपको कितना समझ में आया और कितना आप सही तरीके से पेपर के लिए तैयार हो रहे हो। ओके, तो उस सीरीज के हमारा ये आज प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 है। हर किसी सेक्शन में आपको मैं इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन कम से कम जरूर दूंगा, ताकि आप उस चीज को जान सको। तो उसी सीरीज का आज पहला पार्ट है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसके स्वास्थ्य शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है यह कथन। तो ध्यान रखिए क्या बोल रखा है, बच्चे का जो विकास है वो उचित तरीके से हो रहा है, उसके स्वास्थ्य शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन कैसा है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या बोल रखा है, गलत हो सकता है। ध्यान रखिएगा, जो आपका उचित विकास होगा उसको सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य शारीरिक विकास क्या होता है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बिल्कुल सही बात है। तो गलत वाले ऑप्शन तो आप यहां से हटाई दीजिए, जैसे कि पहला और चौथा, बचा आपका सही वाला। सेकंड ऑप्शन देखो क्या बोल रखा है कि सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। बिल्कुल, देखो जो विकास स्थान होता है उसमें आपका शारीरिक विकास जो होता है वो होता है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सबसे पहले होता है। ओके, दूसरा है आपका सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो आपको देखते ही लगा लेना चाहिए था कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है, कि विकास का जो क्रम होता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो या फिर मानसिक विकास हो, कहीं ना कहीं क्या होता है, वो एक दूसरे पक्ष के साथ अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटररिलेट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर परिनिर्भरता होते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर में डिफरेंस बताया था विकास और वृद्धि के अंदर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इनमें से आपका कौन सा एक ऐसा सिद्धांत जो कि मानव विकास का सिद्धांत नहीं होता है। पहला आपका अनुक्रमिकता, तो ये आपका बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आपका विकास होता है वो कैसे होता है, आपका एक क्रमिक रूप में होता है। तो सही आंसर था। दूसरा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ध्यान रखिएगा जो भी आपका विकास होता है, मैंने साफ आपके सिद्धांत में बताया था कि कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और निरंतरता का सिद्धांत आपने एक पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जो कि बच्चे का विकास क्या होता है, निरंतर होता रहता है, लेकिन आपका प्रतिवर्ता यानी कि जो आपकी रिवर्सिबिलिटी होती है वो नहीं होती, जैसे कि आप एक बार बढ़कर दोबारा छोटे नहीं हो सकते, तो प्रतिवर्तित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था, ये आपका मानव विकास का सिद्धांत के अंदर शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए सहायता करता है। ये तो ध्यान रखिएगा एक फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है ये, कि बच्चे का विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए किस प्रकार की सहायता उसको प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, वैसे तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर ये होगा कि बच्चे के अगर आपने सिद्धांत को यानी कि जो विकास हो रहा है वो किस प्रकार से सीख रहा है, किस प्रकार से नहीं सीख रहा है, तो उस चीज को आपने समझ लिया बच्चे को, तो आप बच्चे को क्या सीख रहे हो, क्या सिखा सकते हो, कि वो जिस तरीके से सीख सकता है और क्या क्या वो सीख सकता है, केवल हम उसी को वही सिखाएंगे, बाकी चीजों पर हम क्या करेंगे, डिनाई कर देंगे, मतलब उसको रोक देंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बोल रखा है कि शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, देखिए बच्चा कहीं से भी आ रहा हो, किसी प्रकार की इसकी पृष्ठभूमि हो, किसी भी प्रकार का उसका बैकग्राउंड हो इकोनॉमिकल, हमें उससे कोई रिलेटेड नहीं होता है। दूसरा, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए यह आपका उचित स्थापित करने में, तो यह बिल्कुल सही बात है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए इसके ऊपर बात निर्भर करा जाता है, ये नहीं कि क्या पढ़ाया जाए। ओके, कैसे पढ़ाया जाए और क्या पढ़ाया जाए दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, ये कभी भी नहीं होता है।
तीसरा, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावशाली रूप से संबंधित करने में। ये बिल्कुल सही आंसर होगा कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए या कैसे उसका समझाया जाए, मतलब उसकी जो आपकी अधिगम शैली होगी वो किस प्रकार से रखनी है कि बच्चा उस चीज को हम सीख सके या बच्चा उस चीज को अच्छी तरीके से समझ सके। एक शिक्षक का मेन विकास जो होता है बच्चे के सिद्धांत का, उसको समझने के पीछे यही कारण होता है कि बच्चा किस प्रकार से सीख सकता है, किस प्रकार से समझ सकता है, उस अधिगम शैली को आपको समझना होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास शुरू होता है। तो विकास आपका शुरू कहाँ से होता है, आप सभी को पता है, आप जब गर्भ अवस्था में होते हो, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है, यानी कि प्रीनेटल स्टेज से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड देखते लगा लेना चाहिए था आपको, प्रवासपूर्व अवस्था से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। तो किसके साथ संबंधित हो सकती है, पहला परिमाण स्वरूप वृद्धि होती है, मतलब जो विकास होता है वो कैसा होता है आपका, परिमाण स्वरूप होता है, यानी कि लीड टू ग्रोथ होता है। दूसरा, विकास जो होता है वो कैसा होता है, विषय जातिगतता की स्वेच्छता की ओर अग्रसर होता है। तीसरा, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकास होते हैं या विकसित होते हैं। और चौथा, विकास संपेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो देखते रह लगा लेना चाहिए जब आपको जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है आपका, ऑर्डरली होता है, मतलब एक क्रमिक रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न कालों में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार तो आप जो बच्चा होता है, चाहे वो आपका प्रीनेटल स्टेज में हो, बाल अवस्था में हो, या उससे आगे वाली स्टेजेस में हो, तो विकास का जो क्रम होता है, जो बच्चे की खुशी होती है, वो हर स्टेज में भिन्न भिन्न होती है। तो उसके अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो सकता है। पहला, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। देखो, ये आपका साइकोलॉजी टर्म में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि जीवन का प्रथम जो काल होता है वो सबसे आपका कैसा होता है, खुशी वाला होता है। होता है इसमें नो डाउट, लेकिन सबसे अधिक बोल सकते हो जरूरी नहीं है आपका। ओके, दूसरा, व्यसंधि काल एक एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी वाला काल है। तो ध्यान रखिएगा, आपका व्यसंधि काल वो काल होता है, जब मैंने आपको बताया था, जब बच्चा जो होता है बाल अवस्था से लेकर किशोर अवस्था में ट्रांसफर होता है, जो कि 11 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, उसी काल को क्या कहा जाता है, व्यसंधि काल होता है। और जो जीवन का सबसे कठिन काल होता है, तनाव तूफान एवं संघर्ष वाला होता है, तो खुशी वाला काल तो हम इसको बोल नहीं सकते। तीसरा, आपका व्यसंधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। ये आप बोल सकते हो कि जो आपका व्यसंधि काल होता है वो क्या होता है, जीवन का सबसे कठिन काल होता है, जो कि स्टैनली हॉल ने कहा था कि बच्चे का जो काल होता है ये वाला, वो कठिन होता है, संघर्ष वाला होता है, तूफान वाला होता है। बच्चे के अपने कुछ थॉट्स होते हैं, वो बच्चा जो होता है उसी थॉट्स के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है, ना कि बड़ों की बातों को सुनकर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संघर्ष वाला स्टेज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हम इसका बिल्कुल सही आंसर मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यसंधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। तो आपका जब व्यसंधि काल होता है, जब बच्चा किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है, उस काल में आपका कौन सा ऐसा इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा है जो कि आपका बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है, यानी कि आपका आउटवर्ड का नहीं है। पहला, प्रभुता या फिर सत्ता के विपरीत विरोध, यानी कि जो आपके सामने कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं, जो आपकी सत्ता है उसके प्रति क्या होता है, विरोध उत्पन्न करना। दूसरा, अशांति। तीसरा, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रह। या फिर चौथा, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करना। तो देखो, खेलने की बात तो आपकी वहां पर कहीं पर भी नहीं आती है, लेकिन आपकी आत्मनिर्भरता की बात वहां पर जरूर आती है। बच्चे के अपने कुछ थॉट्स होते हैं, अपने कुछ उनके क्या होते हैं, अपनी कुछ साइकोलॉजिस्ट टर्म होती है, बच्चा उन्हीं के अनुसार अपने आप को ढालना चाहता है, जीने में सीखना चाहता है। आपने देखा होगा, टीनएजर्स कभी भी बड़ों की बात नहीं सुनते हैं, अधिकतर वो अपने किसकी बात सुनते हैं, अपने ग्रुप एज की बात सुनते हैं। तो वो क्या होता है, आत्मनिर्भरता के प्रति अग्रह होते हैं। ओके, तो व्यसंधि काल का ये बाह्य व्यक्ति नहीं है, बाकी सारी की सारी थे। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। तो एडोलेसेंस में आपका किस प्रकार का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। पहला, आत्मसिद्धि के भाव। दूसरा, जीवन के बारे में प्रत्याप्ति के भाव। चौथा, ये सॉरी तीसरा, दुश्चिंता और स्वयं के से सरोकार।
या चौथा बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। तो ध्यान रखिएगा जो एडोलेसेंस में आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, आपके दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो मैंने आपको अभी बताया इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो अपने ही कुछ थॉट्स लेकर आगे बढ़ता है, अपने ही कुछ विचारों पर ऊपर वो डटा रहता है और अपने ही ग्रुप एजों की बारे में वो उनकी बारे की सुनता है, ना कि बड़ों यानी कि पेरेंट्स की या फिर टीचर की। इसलिए वो किस बारे में होता है, दुश्चिंता होता है और उसके साथ साथ में अपने ही स्वयं के सरोकार मतलब अपने ही कुछ उनके कुछ क्या होते हैं थॉट्स होते हैं, कुछ कॉन्कर होते हैं, उन्हीं के रिलेटेड वो कार्य करते हैं। तो ये किशोर अवस्था की क्या होती है, आपके अनुभव होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा मैंने अभी आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाया है, टेंशन मत लीजिएगा, अभी मैं आपको हल्का सा समझा देता हूँ। जो कि आपका फाइन मोटर स्किल जिसको इंग्लिश में बोलते हो और एक ग्रॉस मोटर स्किल भी होता है। तो यहाँ पर फाइन मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गति कौशल के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा फाइन मोटर स्किल का आपका एग्जाम्पल देखने को जाए तो आपके उंगलियों से जो काम करे जाते हैं ना वो फाइन मोटर स्किल में आते हैं, जैसे कि रोटी तोड़ना, बटन लगाना या लिखना, जैसे कि ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये आपके क्या होते हैं, आपके सूक्ष्म गामक या सूक्ष्म गति कौशल फाइन मोटर स्किल के अंदर आते हैं। बाकी जो आपके अन्य कार्य होते हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर आते हैं। ओके, अभी आपको जब मैं पढ़ाऊंगा वो थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से समझाऊंगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्या बोल रखा है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो विकास जो होता है वो आपका कभी भी समाप्त ना होने वाली एक क्या है, प्रक्रिया है, जो कि किससे संबंधित है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी के साथ संबंधित होता है। इंग्लिश में जैसे आप कहते हो, जिसे आप हिंदी में निरंतरता का सिद्धांत कहते हो। जो कि बच्चा जो होता है, देखा होगा आपने 3 साल का बच्चा जो होगा पहली बार आप प्ले स्कूल में डालते हो तो कैसे जाता है, वो रोते रोते जाता है। लेकिन जब 6 वर्ष का हो जाता है तो पहली क्लास में जब जाता है तो कैसा होता है, आराम से थोड़ा सा उसके कंधे सुकड़े होते हैं, थोड़ा सा चिंता में होता है, थोड़ी सी आपके वहां पर हंसी हल्की सी मुस्कुराहट होती है, लेकिन वो रोता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके निरंतरता क्या हो रही है, उसके विकास हो रहा है। 3 वर्ष में रो रहा था लेकिन अब वो नहीं रो रहा है। उसी को क्या कहा जाता है, आपका विचार का आपका क्या कर जाता है, कभी भी समाप्त होने वाला नहीं होता है विकास, उसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4th इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का संबंध में सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा है आपका जो विकास के संबंध में सही नहीं है। पहला, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि कुछ आपके प्रतिमानों में, जैसे कि देखकर आप कभी कभी बता देते हो कि ये बच्चा ऐसा बनेगा, कभी कभी कह देते हो कि ये बच्चा ऐसा बनेगा, तो क्या होता है आपकी कुछ निश्चित विशेषताओं की आप भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन हमें क्या ढूंढना है, जो सही नहीं है वो ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर 1st तो हो सकता है। दूसरा, विकास का उद्देश्य वांछित संभाव्य क्षमताओं का विकास करना है। तो ध्यान रखिएगा जो विकास होता है उसका जो आपका वांछित आपकी जो क्षमताएं मिली होती हैं उसको क्या होता है, थोड़ा सा ओवर एनहांस करना होता है, आगे बढ़ाकर ले जाना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बुद्धि जो मिलती है आपकी, जो आपकी IQ मिलती है आपको फैमिली से मिलती है, लेकिन आप उसको किस प्रकार से आगे की तरफ, जो कि आपकी सृजनात्मकता होती है उसको आप बढ़ा सकते हो, कैसे, समाज के साथ तालमेल बिठाकर ट्रेनिंग के द्वारा। तो विकास का उद्देश्य क्या होता है, आपको जो वांछित से संभावना आपकी क्षमता मिलती है उसको क्या करा जाता है, विकास करना ही होता है। तो ये बिल्कुल भी सही है आपका। दूसरा, तीसरा, चलिए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। ये तो आप बिल्कुल ही गलत लगा दीजिए कि विकास के जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं उसमें किसी भी प्रकार के खतरे नहीं होते हैं। अगर आप देखा जाए किशोर अवस्था में अलग आपके सामने मुश्किलें आती हैं, जो कि तनाव, तूफान और संघर्ष की स्टेज है, तो आप कैसे कह सकते हो कि क्या है वो, वहाँ पर कोई खतरे नहीं होते हैं। बाल अवस्था में अलग होते हैं, शिशु आपके आगे स्टेज में आ जाते हो तो अलग होते हैं, तो हर स्टेज में आपके अलग कुछ प्रकार की प्रवृत्ति होती है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, इसी का हम सही आंसर मानेंगे और हमें ही गलत ही चुनना था। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3rd इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो इनमें से आपका कौन सा एक विकास का सिद्धांत है वो आपको ढूंढकर निकालना है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रखा है कि सभी की विकास दर सामान्य नहीं होती। लो, पहला ही आपको ऑप्शन देखते ही लगा लेना चाहिए, जो कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल रूप में भी बताया था कि एक 5 साल का या 6 साल का लगा लो कि बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो यार रोता रोता जा रहा है, और एक दूसरा बच्चा 6 साल का होने के मतलब उसके समान आयु के होने के बावजूद भी स्कूल जब जा रहा है वो हंसते
हंसते स्कूल जा रहा है। तो क्या हुआ, एक बच्चा हंसते हुए जा रहा है, एक बच्चा रोते हुए जा रहा है, दोनों की एज क्या है, 6 वर्ष है। तो दोनों का विकास दर क्या होगा, अलग अलग है, सामान्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है जो, तो ये क्वेश्चन आपका अभी भी जो आपका सीटेट हुआ था उसमें भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, जो मानव विकास का जो क्षेत्र होता है वो किस प्रकार में आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ध्यान रखिएगा पहले फिजिकल होता है, फिर कॉग्निटिव होता है, फिर इमोशनल होता है और फिर सोशल होता है, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो शारीरिक, संज्ञानात्मक, स्वज्ञानात्मक और सामाजिक। इन इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी रेशो में होता है, पहले शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर स्वज्ञानात्मक, फिर सामाजिक। मतलब आपका पहले शारीरिक ढांचा विकास होगा, फिर आपका मस्तिष्क होगा, फिर आपकी भावनाएं होंगी, फिर सोशल डेवलपमेंट होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, तो आपके जो बाल विकास होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, उसका जो आपका परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है कौन सा होता है, हो सकता है इन चारों ऑप्शन में से। तो पहला, मानवीय समानताओं में परिवर्तन का परीक्षण करना करता है। दूसरा, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। तीसरा, बच्चों के वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। या चौथा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थकों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। और ध्यान रखिएगा, जो बाल विकास होता है उसमें क्या देखा जाता है, बच्चे का मेंटली और फिजिकली दोनों डेवलपमेंट देखा जाता है। तो यहाँ पर मेंटली हो गया संज्ञानात्मक, और फिजिकली हो गया आपका क्या, हो आपका सामाजिक, यानी कि समाज के साथ मिलकर आप कैसे तालमेल बिठाकर अपने साथ, जैसे कि बच्चों के एक दूसरे के साथ खेलना, तो बच्चा जब एक दूसरे के साथ खेलेगा तो क्या कर रहा है, संयोग की भावना विकसित कर रहा है, मतलब सामाजिक भी हो रहा है साथ साथ में उसका फिजिकल भी हो रहा है। तो यही होता है बच्चे का जो बाल विकास होता है, उसकी परिभाषा अच्छे रूप में इसी तरीके से आप व्याख्यात कर सकते हो कि बच्चे के संज्ञानात्मक और सामाजिक और उसके साथ साथ अन्य तत्वों को भी समझने का उत्तरदायित्व बाल विकास के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक व मानसिक विकास में काफी अंतर है, यह विकास निम्न सिद्धांतों के कारण होता है। तो देखिए, आप दो व्यक्ति एक समान है, और एक समान होने के बावजूद दोनों के जो आपके विकास का अंतर देखा जाए तो वो काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। तो वो किस कारण होता है आपका, तो वो होता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण, जिसे आप प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी कहते हो, यानी कि व्यक्तिगत का सिद्धांत जिसे आप बोलते हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था, क्योंकि बच्चे का विकास या व्यक्ति का विकास या मनुष्य का विकास जो होता है वो सबका एक दूसरे से भिन्न भिन्न होता है, किसी का भी समान नहीं होता है। इसलिए नरेश क्या कर रहा है और मुकेश क्या कर रहा है, दोनों के सामाजिक और मानसिक विकास में क्या देखने को मिल रहा है, काफी अंतर देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट बेस्ट क्वेश्चन, जो कि बार बार रिपीटेटेड होते रहते हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो इसी सीरीज को ऐसी कंटिन्यू करते हुए मैं आपको आप देता रहूंगा हमेशा 15-15 क्वेश्चन, ताकि आप अपने आप को परख सकें कि कितने आप तक आपको कितना समझ में आया है। ओके, और इसका जो PDF होगा कल या नहीं तो परसों तक आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। काफी बच्चे कहते हैं कि सर उसमें आ रहा ज्वाइन नहीं हो रहा, तो टेंशन मत लीजिए, मैंने लिंक चेंज कर दिया है, दोबारा कोशिश करिएगा, आपको वहां पर ज्वाइन हो जाओगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको PDF कल नहीं तो परसों आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपके इन 15 क्वेश्चंस में से कितने बिल्कुल सही हुए, ताकि आपका फीडबैक भी मुझे मिल सके। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने जो सुझाव होंगे इस वीडियो से रिलेटेड वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।